बात की एक बात यह कि चोर पुलिस का खेल तो पुराना हो गया, यहां तो पुलिस पुलिस का खेल चल रहा था। एक पुलिस ने दूसरी पुलिस को पकड़ लिया, दूसरी पुलिस नकली पुलिस नहीं थी, पहली पुलिस भी पुलिस थी, दूसरी पुलिस भी पुलिस थी, लेकिन दूसरी पुलिस चोर थी। मतलब पुलिस तो असली थी, पकड़ने वाली भी असली थी और जिसको पकड़ा वो भी असली थी, बस क्राइम ब्रांच नकली थी। मतलब जिसको पकड़ा वो पुलिस सिर्फ आम टाइप की पुलिस थी, क्राइम ब्रांच की नहीं थी। क्राइम ब्रांच तो उन्होंने ऐसे पुलिस पुलिस खेलते हुए बना ली थी, तो जो पुलिस पकड़ी गई वो पुलिस चोर थी और जिस पुलिस ने पकड़ा वो पुलिस पुलिस थी। थी तो दोनों ही पुलिस, लेकिन जो पुलिस पकड़ी गई वो पुलिस अपने आप ही एक अपनी एक मजे मजे की क्राइम ब्रांच खोलकर बैठ गई थी और असली पुलिस ने शुद्ध नकली क्राइम ब्रांच में कुछ चोर भी भर्ती कर लिए थे और उन चोरों को नकली पुलिस बना दिया था। भाई साहब आप लेवल तो देखिए चोर पुलिस की गेम का, आप ऐसे ही बच्चों वाली गेम खेलते रहे। यहां देखिए असली पुलिस थी, असली पुलिस ने नकली क्राइम ब्रांच बना ली, नकली क्राइम ब्रांच में असली चोर भर्ती कर लिए और असली चोर को नकली पुलिस बना दिया और फिर नकली क्राइम ब्रांच की असली पुलिस और नकली पुलिस ने मिलकर असली चोरी की। चोरी की शिकायत हुई तो दूसरी असली पुलिस के पास शिकायत पहुंची, वो असली पुलिस असल में असली पुलिस थी, तो उसने फिर जाल बिछाकर असली चोरों और नकली पुलिस की नकली क्राइम ब्रांच को पकड़ा तो पता चला कि यह खेल तो काफी टाइम से चल रहा था। असली पुलिस भौचक्का रह गई कि ऐसा होता रहा तो बात उन तक कैसे नहीं पहुंची। तो पहुंचती कैसे, बात पहुंचने से पहले तो पुलिस पहुंच जाती थी ना, नकली वाली, मतलब थी तो वो थी असली पुलिस लेकिन काम नकली कर रही थी, वो वाली पहुंच जाती थी क्योंकि वो बहुत ही पहुंची हुई थी, बहुत ही पहुंची हुई पुलिस थी वो। जब चोरी होती थी तो पुलिस इसलिए नहीं पहुंच पाती थी क्योंकि बहुत ही पहुंची हुई पुलिस पहले ही पहुंची हुई पहुंच जाती थी। कहानी का सार यह है कि पुलिस ही चोर थी, चोर ही पुलिस थी। सो बात की एक बात। इधर हरियाणा में सरकारी डॉक्टरों की हड़ताल से अस्पतालों में अफरा तफरी मच गई।